हाय, दिस इज सरिता चाहा वॉक्स पॉप पुणे से। आज हम बात करेंगे कुछ लोगों से दिवाली, उसकी सेलिब्रेशन एंड ऑफकोर्स पटाखों के बारे में। सो चलिए देखते हैं उनके पास हमारे लिए क्या क्या है। तो इस साल आपको क्या लगता है कोरोना की वजह से दिवाली कैसी मनने वाली है पुणे में? या वर्षी तरी एकदम साधेपण दिवाळी होईल असं वाटतंय, बट तरी पण एक उत्सव असतो, सगळ्यांनी एकदम मनापासून सेलिब्रेट करावा, चांगला करावा एवढीच। ओके, तो आप दिवाळी की शॉपिंग ऑनलाईन करणे वाले इस साल या फिर दुकान से दुकान जाके? अजून तरी असा विचार नाही केलेला, ऑनलाईन असला थोडा प्रेफरन्स देईल। ओके, ठीक आहे। और पूरी फॅमिली आपकी दिवाळी मनाती है हर साल, इस साल कुछ अलग होने वाला है हटके? वेगळं असं सांगता येत नाही, जस्ट नॉर्मल आहे तसंच राहील। आपकी कोई चाइल्डहुड की काफी ज्यादा अच्छी वाली मेमोरी है दिवाली को लेके, बचपन में कुछ अलग किया हो? वेगळं असं काही गावाकडेच आम्ही एकदम सगळे फॅमिली सेलिब्रेट करायचो, देन मग सगळे फटाके वगैरे क्रॅकर्स वगैरे तेच असायचं, असं वेगळं असं नाही आहे काही। ओके, और आपको लगता है कि दिवाली मतलब बाकी चीज़ों की सेल तो काफ़ी कम होगी, जैसे आप कपड़े वगैरह देखें, तो आपको लग रहा है पटाखों की सेल पर भी कुछ असर पड़ने वाला है? हो, नक्कीच फरक पडेल। आपको लगता है लोग कम खरीदने वाले हैं? पोल्यूशन साड़ी पण चांगले आहे। ओके, इस साल की दिवाली आपको कैसा लग रहा है, कैसी होने वाली है? चांगले चांगले। आपको लग रहा है लोग पटाखे वगैरह खरीदने वाले हैं? जैसे कोरोना चल रहा है, खरीदारी कम हो रही है, कम लोग आ रहे जा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि लोग पटाखे खरीदने के लिए घर से बाहर निकलेंगे? घर से बाहर कोरोना काल है। कोरोना काल है, घर से बाहर निकलेंगे? नहीं नहीं नहीं। तो क्या आप पटाखे जलाते हो? नहीं। आपके परिवार में कोई पटाखे जलाना पसंद करता है? नहीं नहीं, कोई भी नहीं करता। नहीं नहीं नहीं। तो आपको क्या लगता है साल दिवाली कैसी होने वाली है? दिवाळी आता काही व्यवस्थित होणार नाही, कारण कसं लोकांकडे पैसा कमी, कारण कामावर काम जिथं काम करतात तिथं चारच दिवस काम असतं, 15 दिवस होतं, त्यामुळे लोकांकडे पैसा कमी आणि जेवढं थोडक्या ह्याच्यामध्ये दिवाळी होणार आहे। आणि कसं की आता पाऊस असल्यामुळं तुम्ही किती जरी माल भरला तरी आता सध्याचा भाव पावसामुळं शेतकऱ्याचं नुकसान झाल्यामुळं मालाच्या किमती वाढलेल्या आहेत, त्यामुळं दिवाळी फारशी अशी सर्वांना काही व्यवस्थित जाणार नाही नेहमीपेक्षा। और जैसे हमने देखा कपड़ों की सेल कम हो गई है, वैसे सब्जियों की सेल कम हो गई, आपको लग रहा है पटाखों की भी सेल कम होगी? नहीं, ये वाले फटाके जास्त वाजवले जाणार नाहीत, कारण कसं प्रदूषण आणि आर्थिक मंदी असल्यामुळे लोक जास्त फटाके घेऊ शकणार नाही। और आपको लगता है कि महाराष्ट्र में मतलब जैसे लोग पूरी दुनिया इंडिया में दिवाली को छोड़ के भी काफी ज्यादा ओकेशन पे पटाखे जलाते हैं, आपको लगता है यहाँ पे कौन कौन सी चीजों पे पटाखे जलाते हैं लोग? नहीं, कारण आतापर्यंत जे काही 200-300 नेऊन गेले त्याच्यामध्ये लोकांनी फटाके वाजवायचे टाळलेले, त्याच्यामुळे फटाक्यांना लोक जास्त खर्च करणार नाही। और जो भी लोग खरीदेंगे आपको लग रहा है दुकान पे आके लेंगे या फिर ऑनलाइन मंगा लेंगे कंप्यूटर से घर पे? नाही, कसं आहे की लोकांना आता कसं प्रादुर्भाव कमी झाल्यामुळे लोक बाहेर निघाले, ते लोक स्वतः वैयक्तिक दुकानामध्ये जाऊन खरेदी करतील, पण त्याच्यामध्ये सोशल डिस्टन्सिंग पाळलं पाहिजे लोकांनी। ठीक आहे सर, थँक्यू सो मच। Indian Fireworks in Happy Diwali!